मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम के चलते राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में रविवार को झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। अच्छी बारिश से प्रदेश की सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। 10 बड़े बांध फुल हो चुके हैं। भोपाल विदिशा में देर रात से बारिश हो रही है। नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट शनिवार रात में बंद कर दिए गए थे, लेकिन पानी का लेवल बढ़ने के बाद रविवार सुबह 8 बजे 3 गेट 7-7 फीट तक खोल दिए गए। इधर मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश के 31 जिलों में भी बारिश के आसार हैं। इनमें से रतलाम, मंदसौर, नीमच और गुना के लिए अति भारी बारिश का रेड अलर्ट है। मौसम केंद्र भोपाल, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पिछले 24 घंटे में जो डीप डिप्रेशन था नॉर्थ वेस्ट एमपी की तरफ, वो अभी धीरे धीरे मूव करके नॉर्थ ईस्ट राजस्थान की तरफ जा रहा है और मीन्स उसका सेंटर ऑफ वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो उसका जो पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान और नॉर्थ वेस्ट एमपी से, जैसे शिवपुरी से 180 किलोमीटर टूअर्ड नॉर्थ वेस्ट ऑफ शिवपुरी है और सवाई माधोपुर से 40 किलोमीटर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट पे उसका सेंटर है। तो ये अभी जैसे डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 24 घंटे में ये जो है एक वेलमार्क लो में कन्वर्ट होने की पूरी संभावना बनी हुई है। उसके साथ ही एक सिस्टम ऐसा एक्टिव है जो कि मानसून ट्रफ है, जो जैसलमेर अजमेर से होते हुए सेंटर ऑफ डिप्रेशन से होते हुए आगे सतना से बालासोर से जाके बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है। उसके साथ ही जो एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ है जो कि ये डिप्रेशन से होते हुए आसाम की तरफ जा रहा है और एक ऑफशोर ट्रफ भी एक्टिव है। इन सब सिनोप्टिक सिचुएशंस के चलते आने वाले 24 घंटे में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है खास करके पश्चिम मध्य प्रदेश में और नॉर्थ वेस्ट एमपी में जो है हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं मॉडरेट वर्षा भी हो सकती है और गरज चमक के साथ छींटे भी गिर सकते हैं और सेंट्रल मध्य प्रदेश और खास करके साउथ एमपी में वगैरह जो है गरज चमक के साथ बौछारें भी गिर सकती है। जबलपुर और शहडोल संभाग में भी गरज चमक के साथ बौछारें गिरने की शाम को पूरी उम्मीद बनी हुई है और जैसे कि अभी थोड़ा सा रेनफॉल एक्टिविटी में जो है हल्की कमी आएगी और जैसे मीन्स कल तक के जो था भारी वर्षा की हमने चेतावनी अनेक जगह पे दी थी, तो उसके हिसाब से अनेक जगह पे जो है भारी वर्षा वगैरह दर्ज की गई है। अभी जो पूरा डाटा आने का, लेकिन जैसे श्रीपुर कला में जो है 8 सेंटीमीटर के करीब वर्षा दर्ज की गई है और आने वाले 24 घंटे में थोड़ी वर्षा के एक्टिविटी में कमी आ सकती है।